हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हो? मैं स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अमित सुषमा ब्लॉग में। और फ्रेंड, सुबह हो चुकी है और देबू गया है स्कूल। अंशु आज स्कूल नहीं गया है, सो रहा है। अब कल मेरे को फीवर आ गया था तो मेरी तबीयत नहीं है सही, सिर में अभी भी दर्द है और सर्दी भी हो गई है। चलते हैं। अभी सुबह सुबह तो बैठी थी, आराम से मोबाइल चला रही थी। अब करती है काम। देखिए, इसका मैंने चादर निकाल के गुल्ले डाल दिया है। मम्मी वॉशिंग मशीन लगा रही है और ये जब उसको गया तो आज वो पहन गया है ट्रैक सूट, तो बेल्ट ऐसे ही डाल गया और सो रहा है अंशु। ये गाय घूम रही है सुबह सुबह। ये हमारी ज्योति खड़ी है जाने के लिए। कहाँ जा रहे हो? आज छुट्टी नहीं है? आज सैटरडे है ना? हाँ, ज्योता छुट्टी है। कल तो सबकी रहती है संडे की। नहीं, तो क्या लेके आया है? चलो बाय। गुड मॉर्निंग बोल जाओ। गुड मॉर्निंग। और देखिए किचन, भगवान के दरवाजे खुल रहे हैं। सुबह सुबह मम्मी खोल देती हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये हमारे साईं बाबा हैं। जय हो भगवान जी। ये अचार रखा है, इसमें मैंने तेल डाल दिया। तो रख देते हैं ऊपर। तो फ्रेंड, मैंने आपको सारा घर दिखा दिया, घर की कैसी स्थिति। आप उसको सुधारने का टाइम आ गया है। सुबह सुबह रहता है कि घर को साफ सुथरा कर दो, तो कर लेते हैं। आज पता मेरी तबीयत सही नहीं है, एकदम सांसें चल रही है क्योंकि सर्दी हो गई है ना, इस वजह से। तो कर लेते हैं काम और फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड, मैं नहा के आ चुकी हूँ और सारे काम से हो गई हूँ फ्री और बनाने जा रही हूँ। किचन में आ गई हूँ, पूजा पाठ हो गया है। भगवान की मंदिर पर भी बंद हो गए और सबने कर लिया नाश्ता, क्योंकि खाना बनाया इसलिए लेट हो गई कि नाश्ता बना दिया था मैंने सुबह पोहा का। तो अभी बज गए 11 और अब बनाऊंगी खाना। तो बस कपड़े अपने सर मैंने धुल के डाल दिए हैं चद्दर वद्दर। अभी थोड़े से कपड़े और वॉशिंग मशीन में डले हुए हैं तो ये सूख जाएंगे, उसके बाद उनको डाल दूंगी। तो बस खाने बना रही हूँ मैं अरबी की सब्जी। आज मैं मठा की अरबी नहीं बनाऊंगी, नींबू की अरबी बनाऊंगी, तो काट के कर रखती है मैंने। और ये है करौंदा, करौंदा बोलते हैं हमारे यहाँ। आप क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। तो ये मिर्च, तो इनको फ्राई करूंगी, तलूंगी मतलब। तो
करौंदा और मिर्ची मैंने तल ली है, देखिए बहुत अच्छे से बहुत टेस्टी लगती है। ये बना दी है अभी की सब्जी, तो फ्रेंड बना लेते हैं रोटियां। आटा गूंद के रख दिया है और रोटियां बनाऊंगी बैठ, रोटियां सेकना है सॉरी, तो बस वो मैं बैठ के बनाऊंगी क्योंकि सुबह से उठते हैं ना 5:30 बजे उठते हैं, जब से लेके और अभी तक खड़े खड़े ही सारा काम करना पड़ता है, तो रोटियां मैं बैठ के ही बनाती हूँ ज्यादातर। अगर थोड़ी तो फ्रेंड देखी गैस मैंने रख ली है नीचे, सेक लेते हैं रोटी तो मिलते हैं आपको। तो फ्रेंड खाना ना हो गया है, खाना मैंने बना लिया है अभी कर रहे हैं चालू, और देखिए सब लोग यहीं लेटे हुए हैं। पता नहीं देखती हूँ एक मिनट। तो फ्रेंड मैंने कैमरा थोड़ा साफ कर लिया तो बिल्कुल क्लीन वो आ रही है वीडियो, और ये देखिए देवू लेटा हुआ है और ये लेटा हुआ बैठा हुआ है, अंशु नहा के आया है क्योंकि हमारा वाईफाई जो कनेक्शन था वो हो गया है बंद, और पोस्टपेड करा लिया तो 11 तारीख को चालू होगा, तो 11 तारीख को चालू होगा, तो हम मतलब हम लोग तो रह भी लेंगे पर अंशु कैसे रहेगा, अंशु का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वही सोच रहा है। हाँ वो आईएससी कर रहा है, बिल्कुल नहीं रहता वो टीवी बिना, और ये समझते नहीं है कोई बात, बस करके वो बैठ गए। लैपटॉप ये देखिए लैपटॉप, पापा के मोबाइल में दो जीबी जे वो है नेट, तो पापा हाँ खुद के मोबाइल में है तो खुद चला रहे हैं, लैपटॉप में बैठ गए और लैपटॉप मांग रहे, लैपटॉप में भी तो नेट नहीं है ना, नेट ही नहीं है तो कुछ नहीं चलेगा, तो हमारा रहना हो रहा है बहुत मुश्किल, क्या करे मुसीबत में बैठे हुए हैं, और बहुत हमको अफसोस है हम लोगों को कि हम क्या करे। और पर ये अच्छा है कि टीवी नहीं है तो सब लोग इकट्ठा बैठे हैं और बातें कर रहे हैं आपस में, अगर टीवी चालू होती ना तो कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, ये अपनी टीवी में जाके लेट जाता, ये अपने मोबाइल में लग जाता, मैं अपनी टीवी देखती और पति देव अपने मोबाइल में, तो एक अच्छा भी है इसमें। हाँ तो भी नेट पर जाओगे लैपटॉप में क्या करें, क्या करें वो तो खुद ही जाएंगे। पापा दूध दूध ले जाओ, ताला लगा के जाना, सो रहे हैं। तो फ्रेंड हम लोग जा रहे हैं नानी के यहाँ, देखे बैठे हैं गाड़ी पर, तो चलते हैं। हम आ गए हैं नानी की कॉलोनी में। मम्मी हाँ उसकी गाड़ी कर चला रही है, यह बलवंत नगर। तो देखिए फ्रेंड हम लोग आए और बारिश होने लगी, मुझे अच्छा है कि हम लोग अंदर आ गए, तब वो भी अंदर बैठे हैं, फोन लगाओ फोन, और मैं थक गई। भाई को बुला के लाओ, गेट खोल दो, मम्मा बुला रही है, ना बुला के लाओ भाई को, भाई को बुला लाओ, भाई के बाप को बुला लाओ, बोल देगा तो रुक गो, बताओ अंदर इसकी मैं इनको सुनाई नहीं, फोन 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 लगाना, मैं तो अपना मेरा फोन भी अंदर ही है। तो देखिए इसने लगा ली गेट, भाई को बुलाओ बुलाओ भाई को, पता जब वो गेट तक पहुंच ही नहीं पाती इसने लॉक क्यों लगा दिया, गई 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 कमरा के बाहर वाला लॉक लगा दिया इसने,
बोला गेट रोको, पापा से बोले खोले। तो ये देखिए फ्रेंड कितना अच्छा हो रहा है मौसम। फ्रेंड चल रहा है नाश्ता पानी। टमाटर क्या डालूं? ये बैठी हमारी नानी। नानी आए कर दो। आज बैठे हैं मामा जी और ये पति देव खा रहे हैं। तो चाय पी ली है, चाय पी ली, बिस्किट खा ली है। तो उन्होंने कहा कि कुछ बना के लाओ, ये देखिए पापड़ और पोहा बना के लाई है हमारी मामी। वैसे तो संध्या है नाम, मैं नाम लेती हूँ। तो चलते हैं फ्रेंड खा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड हम लोग आ गए नानी के घर से और अंशु हो रहा है परेशान। क्या हुआ? नेटवर्क नहीं आ रहा है बोल रहा है टीवी में। तो 11 तारीख को आएंगे और आज 7 तारीख, तो बहुत मुश्किल है दिन कटना देव अंशु का। हम लोग तो बातें करके काट ही देते हैं, पर अंशु का बहुत मुश्किल हो रहा है। तो फ्रेंड नानी के यहाँ से आ गए थे, फिर बातें कर रहे थे मम्मी से और अब बना लेते हैं खाना। खाने बनाऊंगी क्या पता नहीं, अभी मैं पूछूंगी फिर बनाऊंगी। तो चलते हैं फ्रेंड बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड समय हो गया है रात के 11:30 बज चुके हैं और आज टीवी मोबाइल सब बंद है। तो सभी लोग सो गए, बस अंशु जग रहा है वो मोबाइल देखो, मतलब जो मोबाइल में थोड़े बहुत वीडियो और काट वो, अरे मैं तो भूल ही जाती हूँ, कार्टून वगैरह जो लोड है उन्हें ही देखा है। सुबह से उसका मन नहीं भरा था, 11:30 बज गया, तो मैंने बोला चलो सो जाओ। तो पति देव सो गए, पापा सो गए, देवी सो गया और मम्मी सो गई, सब सो गए। बस मैं बर्तन साफ करने आई थी किचन में, थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे क्योंकि पापा हो गए बीमार, मतलब बीमार है। तो डॉक्टर ने खाना खाने से मना किया तो बोले मेरे लिए खिचड़ी बना दो, तो मैंने ठीक है, फिर मैंने उनके लिए खिचड़ी बनाई अभी, तो बस वो उसी के बर्तन से तो साफ कर दिए। अब देखते हैं कल रिपोर्ट में क्या निकलता है। तो फ्रेंड काफी रात हो चुकी है तो मैं भी सोने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो अपने ब्लॉग का एंड कर देते हैं। तो फ्रेंड गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।